हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश में नेक्स्ट टॉपिक टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, टेंस के बारे में आप सब जानते हैं, सबने पढ़ा भी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टेंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमको इनके साथ डील करना है, इनके क्या यूजेस हैं और किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, टेंस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से अराइज हुआ है, जो होता है टैम्पस। टैम्पस का शब्द का मतलब होता है टाइम। तो टेंस जो है वो कुछ नहीं है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें टाइम के बारे में बताता है। लाइक अगर आप राइट बोलते हैं तो मतलब मैं लिखता हूँ, अगर आप रोट बोलते हैं तो आपने लिखा, पास्ट में लिखा, एंड विल राइट बोलते हैं तो मतलब मैं लिखूंगा। तो इस तरह से ये टेंस कुछ नहीं है, टेंस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जैसा आप सब जानते हैं कि देयर आर थ्री मेन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इन सब के अलग अलग चार चार पार्ट होते हैं। मतलब कि प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होंगे, पास्ट टेंस के भी ये चार पार्ट होंगे और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट होंगे। तो कुल मिला के आपको 12 टेंस के फॉर्म पढ़ना है और उनके यूजेस पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि नीचे एक टेंस टेबल मैंने दी हुई है, तो इस टेंस टेबल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरा टेंस रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हैं, पास्ट टेंस के भी चार पार्ट हैं, फ्यूचर के भी चार पार्ट हैं। जैसे प्रेजेंट का सिंपल होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। तो पास्ट सिंपल होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस तरह से हमें पढ़ना है। देखिए, प्रेजेंट में मैंने आपको बताया है कि अगर प्रेजेंट का सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो उसमें इज, एम, इज, आर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ये मतलब कि आइडेंटिटी है, पहचान है। इस तरह से अगर कहीं भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। कहीं भी सेंटेंस में इज, एम, आर आ रहा है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस है। अगर हैज हैव आ रहा है सेंटेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैज बीन, हैव बीन आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज राइटिंग मतलब आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली पास्ट टेंस के लिए देखिए, पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। देन पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर यूज होता है और जो वर्ब की फॉर्म होती है वो आईएनजी वाली होती है। देन परफेक्ट टेंस में अगर हम देखें तो परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होता है और जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो थर्ड फॉर्म यूज होती है, रिटेन यहाँ पर जैसे दिया गया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट के जितने टेंस होंगे सभी में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा। ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होगी और आईएनजी वाली मेन वर्ब आपको यूज करना पड़ेगी। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। फिर फ्यूचर सिंपल की पहचान क्या है कि विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या है कि विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आपकी यूज होगी। देन परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि विल हैव या शैल हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। देन फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की पहचान क्या होती है कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होंगे और हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, तो सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना तो आपको पता ही होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, नहीं तो आगे चल के मैं आपको ये भी बता दूंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ टेंसेस। तो हम लोग स्टार्ट, क्योंकि हमें एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा टेंस है, हमको दे दिया जाता है एक सेंटेंस और हमको आइडेंटिफाई करना रहता है कि इसमें एरर है या नहीं है, स्पॉट द एरर करना पड़ता है या फिलअप्स करने के लिए हमको आता है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ के हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस में बात हो रही है, देन उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर फिलअप्स करने पड़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ। फ्रेंड, प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अ प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू शो
टू शो रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन और अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हमको कहाँ पर यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस? कोई भी रेगुलर काम आप करते हैं, हैबिचुअल है आप उस काम को करने के, ऐसा एक्शन आप कर रहे हैं, और कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऐसी बातों को बोलने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे हमेशा ही आप इसमें बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलेंगे। ही गोज टू स्कूल एट 9 AM एवरी डे, तो ये आपकी हैबिचुअल एक्शन है, आप रेगुलर करते हैं इस काम को, तो इसको भी ही गोज टू द स्कूल एट 9 AM एवरी डे। तो अब यहाँ पर देखिए, वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, तो लेकिन जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का हम यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर दूसरा यूज क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस का? पहला तो हो गया कि हैबिचुअल रेगुलर एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। दूसरा यूज क्या है कि इन फ्यूचर क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन। अब ये क्या है? तो फ्यूचर की कोई भी कंडीशन बताना है आपको और उसके बाद कोई फ्यूचर में काम हो रहा है, तो जो कंडीशन वाला पार्ट होगा उसको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इफ इट रेंस आई शैल नॉट कम, तो आई शैल नॉट कम ये तो फ्यूचर सिंपल हो गया, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन वाली बात को आप कभी ऐसे नहीं बोलेंगे इफ इट विल रेन या इट शैल रेन आई शैल नॉट कम, ऐसा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको कैसे बोलना है? इफ इट रेन्स आई शैल नॉट कम। तो जो फ्यूचर की कंडीशन वाली बात होती है उसको बोलने के लिए आप किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है कि अगर आप फ्यूचर की कंडीशन वाली बातों को बोलेंगे तो वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करें। कोई भी ऐसे नहीं बोलता कि मैं नहीं आऊंगा, तो उसको कारण भी बताना पड़ता है कि वो क्यों नहीं आएगा, तो वो जो कंडीशन है उसको वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलता है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई शैल कम, मैं आऊंगा, ये तो हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, बट कंडीशन क्या है? एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क। तो देखिए, इसको उसने फ्यूचर में नहीं बोला, एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज क्या है कि फ्यूचर की कंडीशंस बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यूज करते हैं। देन हम चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच इज नाउ इन प्रोग्रेस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं? ऐसे एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो अभी चल रहे हैं। जैसे अभी आप बोले कि बाहर क्या कर रहा है? माली पानी दे रहा है। तो द सर्वेंट इज वॉटरिंग द प्लांट्स, अभी वो क्या कर रहा है? बाहर पानी दे। आपसे किसी ने पूछा बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, तो आपको पता है कि अभी वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके साथ आर का यूज किया है हमने, और यहाँ पर हमने सर्वेंट सिंगुलर था इसका यूज करता है, और आई के साथ एम का यूज होता है। तो ये इज एम आर पहचान होते हैं, आई एन जी वाली वर्ब होती है कंटिन्यूस में। देन टू शो टेम्परेरी एक्शन विच इज नॉट एक्चुअली इन प्रोग्रेस एट होम। तो ऐसे एक्शन को भी टेम्परेरी एक्शन को बताने के लिए जो एक्चुअली प्रोग्रेस में नहीं है एट दैट टाइम, ठीक है। टू शो अ टेम्परेरी एक्शन विच इज नॉट एक्चुअली इन प्रोग्रेस एट दैट टाइम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी जैसे कि कुछ ऐसे काम है कि नाउ आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ऐसे बातों को बताने के लिए जो अभी आप मतलब अभी आप कर ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस में, अभी आप क्या कर रहे हैं ऐसी बातों को भी बताने के लिए आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं हो कंटिन्यू हो, नॉट एक्चुअली इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में नहीं, लेकिन अभी आप वो काम कर रहे हैं। तो नाउ आई एम रीडिंग इंग्लिश, अभी आप क्या कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ही इज स्टेइंग विथ हिज अंकल, अभी वो क्या कर रहा है? अपने अंकल के साथ रह रहा है। तो मतलब वो काम कोई वर्किंग हो नहीं रही है, लेकिन ऐसा है कि उस टाइम पे, अभी इस टाइम पे कुछ ऐसा आपसे पूछा गया कि बताओ अभी आप क्या कर रहे हो, है ना, तो आप बता सकते हो कि एट ए टाइम आप क्या कर रहे हो, है ना। आप वो एक्चुअली कर नहीं रहे हो, आप तो अभी उससे बात कर रहे हो, किसी ने आपसे पूछा, तो फिर आप अभी उस टाइम पे क्या कर रहे थे एक्चुअली, और आगे भी आप करने वाले। तो नाउ आई एम रीडिंग इंग्लिश। टू सो नेक्स्ट यूज है इसका, टू सो इज ऑलरेडी डिसाइडेड फ्यूचर एक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन कौन से एक्शन को हम बताने के लिए करेंगे? जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। जैसे कि सपोज प्राइम मिनिस्टर
आपके टाउन में विजिट करने आने वाले थे, वो पहले डिसाइड हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ विजिट पर आने वाले हैं। तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड एक्शन है कि अब आएंगे ही, तो उसको आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करके। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग द सिटीज टुमारो, वी आर गोइंग फॉर मूवी टुडे इवनिंग, मतलब अभी आप वो काम कर नहीं रहे लेकिन इवनिंग में आप करने वाले हैं फ्यूचर में, तो ऐसी बातों को बोलने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आप यूज कर सकते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज अब किस लिए यूज होता है, टू शो एन एक्शन कम्प्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, बिल्कुल अभी अभी पास्ट में, ऐसे नहीं कि बहुत पहले हफ्तों पहले हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको यूज क्या करना है, पास्ट की बातों को बताने के लिए, लेकिन जस्ट अभी अभी बिल्कुल एक मिनट पहले हुआ है, ऐसी बातों को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि ही हैज जस्ट लेफ्ट द क्लास, मतलब आप कहीं पढ़ रहे हैं और आप थोड़ी देर में चले जाते हैं, तो पीछे से आपका भाई आता है और क्लास से टीचर्स पूछता है कि बताओ कहाँ गया, तो अगर आप अभी अभी बिल्कुल निकले हैं तो वो बोलेंगे ही हैज जस्ट लेफ्ट द क्लास। तो ऐसे नहीं कि हफ्ते भर पहले कोई बात हो चुकी है, उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। वी हैव जस्ट डिसाइडेड टू गो फॉर ए मूवी, हमने अभी अभी डिसाइड किया कि हम मूवी देखने जाएंगे। फिर नेक्स्ट यूज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, टू शो अ पास्ट एक्शन वेयर द टाइम ऑफ एक्शन इज अननोन और इनडेफिनेट। अब देखिए अगर आपको टाइम ही नहीं पता, ठीक है, कि कोई काम कब हुआ, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब हफ्तों पहले नहीं हुआ है तो हफ्तों पहले कोई बात होगी उसके लिए पास्ट टेंस का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको टाइम ही नहीं पता कि कब हुआ है वो काम, तो फिर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल सकते हैं। ही हैज गॉन टू बॉम्बे, लेकिन मुझे पता नहीं वो कब गया, ठीक है। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है लेकिन पता नहीं कब और कहाँ देखा है, कब देखा है, ठीक है। तो अगर टाइम का पता ना हो तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट यूज है टू टॉक ऑफ ए पास्ट एक्शन एक्सटेंडिंग अप टू द प्रेजेंट, ऐसी बातों पास्ट की बातों को बताने के लिए जो अभी प्रेजेंट में भी जा रही हैं, मतलब प्रेजेंट में चल रही हैं, तो उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए 40 इयर्स हैव पास्ट सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो अभी तो ज्यादा हो गया, 60-70 इयर्स हो, 60 इयर्स हो गए, 65 इयर्स हो गए, तो अभी क्या करना है, तो यहाँ पर 40 इयर्स हैव पास्ड सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, मतलब पास्ट में ये काम हो गया है और अभी भी हम इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसी बातों को बताने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और अभी प्रेजेंट में भी जा रही है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। ही हैज बीन इन हॉस्पिटल मंडे, वह मंडे से हॉस्पिटल में है, तो ऐसी बातों को बताने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, ऐसी बातों को बताने के लिए जो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी भी जारी हैं, ठीक है। इसकी एक पहचान होती है कि हैज बीन हैव बीन यूज होता है, और साथ में टाइम भी बताया जाता है कि कब हुआ वो काम, उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि सिंस एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो सिंस का यूज करते हैं, अगर आपको ड्यूरेशन दिया हो कि 2 hours, 3 hours, 4 days, तो आपको फॉर का यूज करना है टाइम के पहले, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, तो वो 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो काम पहले शुरू हो गया है और अभी भी जारी है। I have been staying here since 1985, तो यहाँ पे देखिए since का यूज हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दे दिया है। देन तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। तो अ पास्ट सिंपल टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, तो ऐसी बातें जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी है उनको बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट योर लेटर लास्ट वीक, अब मुझे टाइम पता है कि मुझे कब तुम्हारा लेटर मिला, तो मुझे लास्ट वीक तुम्हारा लेटर मिला। और फ्रेंड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, ही वेंट टू बॉम्बे स्टरडे, वह कल बॉम्बे गया, तो हमें पता है कि पास्ट में काम हो चुका है और कब हुआ। द नेक्स्ट यूज है पास्ट सिंपल टेंस का टू शो अ डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिचुअल एक्शन, अब पास्ट की कुछ ऐसी हैबिट होती है हमारी जो अब हम नहीं करते, तो कोई पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी हम
पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं, जैसे कि वी मेट इन माय हाउस ऑन एवरी संडे लास्ट ईयर, पिछले साल हम हमारे घर में हर संडे मिले हैं, तो मतलब कि ये पास्ट की कोई बात है, अभी हम नहीं मिलते हैं। व्हाइल इन बॉम्बे आई वेंट फॉर मूवी ऑन एवरी संडे, जब मैं बॉम्बे में था मैं हर संडे मूवी जाता था, मतलब अब मैं नहीं जाता हूँ मूवी, तो ये मेरा पास्ट का कोई आदत है। देन हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। A past continuous tense is used to show an action which was going on a particular time in the past. तो past में कोई काम चल रहा था, ऐसी बातों को बताने के लिए आप past continuous tense का use करते हैं। For example, when I saw him, he was reading a novel. तो friend, he was reading a novel. This is past continuous. But इसमें भी condition बतानी रहती है, तो जब भी आपको past की condition बतानी हो तो past simple tense में बताते हैं। When I saw him, जब मैंने उसे देखा, he was reading a novel. तो आपको इस तरह से question आ जाएंगे exam में, when does him he was reading a novel, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे condition बताने के लिए verb की second form या past simple tense का हम use करते हैं, ठीक है। When I saw him, he was dash a novel, तो he was reading a novel. He jumped out of the train while it was moving, तो while it was moving ये continuous हो गया, और ये condition है कि He jumped out of the train. तो वो jump कर गया था। Then past perfect tense के बारे में देखते हैं। A past perfect tense is used to show an action which was over at a past time. तो past perfect tense का use हम ऐसी past की बातों को बताने के लिए जो past में ही हो चुकी है, ऐसे नहीं कि जा रही है, तो past continuous tense. तो हो चुकी है। For example, The train had left before we reached the station. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर भी देखिए, जो सेकेंड सेंटेंस है वो हमने पास सिंपल में बताया है, और द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये आपका परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। तो ये काम हो चुका है पास्ट में ही कि जा चुकी है, तो जो जा चुकी है, जो चीज काम हो चुका है उसको हम परफेक्ट में बोलेंगे, और जो कंडीशन है उसे हम सिंपल टेंस में बोलेंगे, पास्ट सिंपल में। आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर लिया था मैंने, होमवर्क फिनिश कर दिया था मेहमानों के आने से पहले ही। देन हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास। अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन स्टार्टेड अर्लियर एंड वाज गोइंग ऑन अप टू अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। तो बहुत ही पहले शुरू हो गया था पास्ट में भी, और उसके बाद भी जिस टाइम पास्ट में हम बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, उस टाइम भी जारी था, मतलब वो काम पहले शुरू हो गया था और जारी भी था। तो एग्जाम्पल, व्हेन आई ज्वाइन द कॉलेज, मिस्टर शर्मा हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 3 इयर्स। सपोज मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया है और वहां पे मिस्टर शर्मा जो है वो पहले से ही 3 साल पहले से ही वहां पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर भी देखिए हैड बीन यूज हो रहा है, जैसे कि इसकी पहचान होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, और यहाँ पे भी सिंस और फॉर का यूज होता है। तो व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज मिस्टर शर्मा हैड बीन टीचिंग, मतलब पहले से ही पढ़ा रहे थे, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और जब मैंने ज्वाइन किया तब भी वो पढ़ा रहे थे। तो कोई काम पहले ही शुरू हो गया पास्ट में, और जिस समय पास्ट में मैंने ज्वाइन किया उस समय भी जारी है। तो व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज मिस्टर शर्मा हैड बीन टीचिंग फॉर 3 इयर्स, ठीक। When next example, when I met him, जब मैं उससे मिला, he had been painting a picture for 3 years. तो मतलब मैं जब उससे मिला, तो he had been, ये आपका पूरा past perfect continuous tense है। He had been painting a picture for 3 days. तो वो 3 दिन से picture को paint कर रहा था, और when I met, वो तब भी paint ही कर रहा था, ठीक है। तो कंडीशन वाली बातों को पास्ट की बताने के लिए पास्ट टेंस का ही यूज करना है, जैसे फ्यूचर की कंडीशन बताने के लिए हमने ऊपर देखा था कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, बट पास्ट में ऐसा नहीं है, पास्ट में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं पास्ट की कंडीशंस बताने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के पास। फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल टेंस is used to show an action which is yet to happen. तो future tense में हम future simple tense के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसी बातों को बताने के लिए जो अभी तक हुई नहीं है but होने वाली है, which are yet to happen. तो the classes will commence on next Monday. तो आप बता रहे classes अभी शुरू नहीं हुई है but next Monday से वो
शुरू होंगी। आई शैल मीट यू नेक्स्ट वीक, तो आई शैल मीट यू नेक्स्ट वीक, मैं तुमसे नेक्स्ट वीक मिलूंगा, मतलब अभी मिला नहीं हूँ, मैं मिलूंगा और ये होने वाला है कोई काम। तो यहाँ पर ध्यान रखिए विल और शैल का यूज होता है, आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी सबके साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। देन वर्ब की और फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पास चलते हैं। फ्रेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच विल बी ओवर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम इसलिए करते हैं ऐसी बातों को बताने के लिए जो कि यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच विल बी ओवर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर की कोई कोई काम स्टार्ट हो गया है बट फ्यूचर में कभी जाके वो क्या होगा जारी रहेगा। तो जो व्हेन आई रीच होम, फॉर एग्जांपल देखिए व्हेन आई रीच होम माय फ्रेंड्स विल बी वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर देखिए जब मैं घर पहुंचूंगा मेरे फ्रेंड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर में भी कोई काम चल रहा होगा, मैं जब पहुंचूंगा तब तक वो चलता रहेगा, नहीं पहुंचूंगा तभी उसका ओवर होगा। ठीक है, तो फ्यूचर में अभी कोई काम जारी रहेगा फ्यूचर में, और जब तक फ्यूचर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो जाती तब तक वो जारी रहेगा। तो व्हेन आई रीच होम, मैं जब घर पहुंचूंगा माय फ्रेंड्स विल बी वेटिंग फॉर मी। तो फ्यूचर में जब मैं घर पहुंचूंगा मेरे फ्रेंड मेरा इंतजार करते रहेंगे। व्हेन यू कम टुमारो, जब तुम कल आओगे आई शैल बी राइटिंग नोट्स, जब तुम कल आओगे तो मैं नोट्स लिखता रहूंगा। तो देखिए आई शैल बी और विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का वर्ब की फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो इसमें भी देखिए कंडीशन फ्यूचर टेंस में, एक चीज याद रखिएगा जो फ्यूचर की कंडीशन वाली बातें होती, टाइम की कंडीशन हो है ना, तो टाइम के क्लाउज हो कंडीशन के क्लाउज हो, तो यहाँ इनके साथ में जो आपको टेंस यूज करना है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। व्हेन आई रीच होम, ठीक है, तो व्हेन आई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो व्हेन आई रीच होम माय फ्रेंड्स विल बी वेटिंग फॉर मी। व्हेन यू कम टुमारो आई शैल बी राइटिंग नोट्स। हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पास। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच विल बी ओवर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर लीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ओवर नहीं आएगा, विच विल बी कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पास। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच विल बी ओवर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। तो कोई ऐसा कार्य को बताने के लिए जो कि भविष्य में एंड हो चुका है, हो जाएगा, जब मैं ऐसा फ्यूचर में जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे हो चुका रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए बाय द टाइम वी रीच देयर, यहाँ पे कंडीशन है, इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। द क्लासेस विल हैव स्टार्टेड, जिस समय हम वहां पहुंचेंगे स्कूल पहुंचेंगे या कॉलेज पहुंचेंगे क्लासेस तो शुरू हो चुकी रहेंगी। तो ऐसी बातों को बताने के लिए योर अंकल विल हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस बिफोर यू रीच हियर, तुम्हारे पहुंचने से पहले ही अंकल ऑफिस जा चुके होंगे। ठीक है, तो भविष्य में भी ऐसा काम हो चुका रहेगा जब तुम ऐसा कंडीशन होगी। देन हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद। फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू शो एन ऑलरेडी स्टार्टेड एक्शन व्हिच विल बी गोइंग ऑन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। तो कोई काम पहले ही स्टार्ट हो चुका है, दैट मीन्स पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव बीन, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब पहचान होती है विल हैव बीन शैल हैव बीन, वी विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 5 ईयर। मतलब कि पहले ही काम शुरू हो चुका है तभी हम इस साल के अंत में यहाँ पर हमें पढ़ते हुए कितने साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मतलब कि पहले से हमने शुरू कर दिया है पढ़ना और इस साल के अंत में वी विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स कोई काम पहले ही शुरू हो चुका है भविष्य में भी जारी रहेगा, तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ भी सिंस फॉर और हैड विल हैव बीन शैल हैव बीन का यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये टेंस थे, ये आप इनके रूल याद रखिए। ठीक है, तो आपको एरर करेक्शन में और स्पोकन में भी बहुत फायदा पहुंचेगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।